नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का सवाल है क्वेश्चन से इज एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज वाटर लीव द होज विद अ वेलोसिटी वी एंड एम इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट सवाल ये व्हाट इज द रेट ऑफ रेट एट विच कनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड टू द वाटर सो सवाल कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपका वाटर uh, जेट है इस वाटर जेट से आपका पानी कंटिन्यूसली लीव uh, कर रहा है वी वेलोसिटी से और यहाँ पे जो आपका मास आपने को m दिया हुआ है सो so m इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ ये पानी आपका इस तरह है इससे बाहर आ रहा है so सो हमें बताना है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ कानीटिक एनर्जी क्या होगा सो so अपने को ये पता है कि कानीटिक एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ये एम और ये एम डिफरेंट है ये हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ना यहाँ जो मास होएगा कितना पानी बाहर आ रहा है इसको हम इसके टर्म में लिख सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम ये वाला एम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर ये आपका कानीटिक एनर्जी होगी हमें जो बताना है वो बताना है रेट ऑफ कानीटिक एनर्जी यानी कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है तो हम जानना चाहते हैं डी के ई बाय डी टी वो क्या होएगा सो so, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम uh, पहले टर्म लिख लेते हैं सो डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम एल वी स्क्वायर नाउ इसमें एम कॉन्स्टेंट है वी कॉन्स्टेंट है जो अंदर डिफ्रेंशिएट uh, होगी टर्म वो आएगी एल सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम डी एल बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर नाउ डी एल बाय डी टी को हम यहाँ पे फिर बेलोसिटी लिख सकते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कनेटिक एनर्जी वो आ गया हाफ एम वी क्यूब सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हाफ एम वी क्यू हाफ एम वी क्यूब वुड बी द राइट आंसर